बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो बच्चियों की तरबियत करने की फजीलत, दो बच्चियों की तरबियत करने की फजीलत। अनस हजरत अनस बिन मालिक से रवायत है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दो बच्चियों की परवरिश की यहाँ तक कि वो बालिग हो गई, क़यामत के रोज मैं और वो इस तरह आएंगे, इस मौके पर आपने दो उंगलियों को मिलाया। सही मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है जी, हदीस नंबर है 1695 और ब्रैकेट के अंदर है 2631। हजरत अनस बिन मालिक से रवायत है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दो बच्चियों की परवरिश की यहाँ तक कि वो बालिग हो गए, क़यामत के रोज मैं और वो इस तरह आएंगे, इस मौके पर आपने अपनी दोनों उंगलियों को मिलाया। इस हदीस में बताया गया है, बच्चियों की अच्छी तरबियत करने वाला मेरे हद दर्जा करीब होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बच्चियों की अच्छी तरबियत करने वाला मेरे हद दर्जा करीब होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जब आपके हाथ तशरीफ लाती तो आप आगे बढ़कर इनका इस्तकबाल फरमाते, इन्हें अपनी चादर में पर बिठाते। इससे पता चलता है कि हमारे दीन में बेटियों की कैसी कदर व मंजिलत है और औरतों के हकूक का असल महाफिल इस्लाम है, ना के मगरिब। सही मुस्लिम में यह हदीस अवेलेबल है जी, हदीस नंबर है 1695 और ब्रैकेट के अंदर है 2631।